नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा मोटर्स की ऑल न्यू BS-6 कंपाइलेंट LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाली LPO 16-13 इस बस के बारे में। तो बिना कोई देर गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आइए थोड़ी सी जानकारी पाते हैं LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में। 2016 में भारत की पहली LNG फ्यूल पर चलने वाली बस केरला में चलाई गई थी, जो टाटा मोटर्स की ही थी और कुछ इस प्रकार से दिखती थी। दोस्तों, LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक सबसे क्लीन यानी कि साफ अल्टरनेटिव फ्यूल है, जो कि CNG यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस से सेफ होता है। टाटा मोटर्स पहली OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो पैसेंजर व्हीकल्स में LNG फ्यूल लाई है, खासकर भारतीय मार्केट के लिए। ये गाड़ी टाटा की जानी मानी और मशहूर LPO 16-13 के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है और इस बस में टाटा मोटर्स की नई प्रीमियम टफ डिजाइन लैंग्वेज कैरी की गई है, जिस पर मार्कोपोलो बॉडी बनाई गई है, जो इस बस को सेफ्टी के साथ साथ शानदार लुक्स भी देती है। टाटा मोटर्स की LPO 16-13 LNG बस का LNG सिस्टम और LNG टैंक PESO यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव्ड है। LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फायदे ये है कि LNG का रेंज CNG के मुकाबले ज़्यादा होता है, यानी कि CNG के कंपैरिजन में LNG बस की किलोमीटर रेंज ज़्यादा होती है। LNG कम प्रेशर पर ऑपरेट होता है। साधारणतः LNG का ऑपरेटिंग प्रेशर 15 बार का होता है, जबकि CNG का ऑपरेटिंग प्रेशर 200 बार का होता है। LNG एक सेफ फ्यूल माना जाता है क्योंकि हवा से हल्का होने के कारण ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है दोस्तों। LNG CNG से कम समय में टैंक के अंदर फिल हो जाता है। टाटा की LPO 16-13 LNG बस में फ्यूल एंड वेपर शट ऑफ वेल्व, एक्सेस फ्लो वेल्व, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिलीफ वेल्व जैसे सेफ्टी सिस्टम दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस बस के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में लगा है टाटा मोटर्स का 5.7 लीटर यानी कि 5700 सीसी का SGI यानी कि सिक्वेंशियल गैस इंजेक्शन वाला BS-6 कंपाइलेंट इंजन। ये इंजन इस बस को मैक्सिमम पावर देता है 130 HP की 2500 RPM पे और 405 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1250 से 1500 के RPM पे। गेयरबॉक्स की बात करें तो इस बस में लगा है टाटा का GBS40 5 स्पीड मैनुअल सिंक्रोमेश टाइप गेयरबॉक्स 330 mm डायमीटर के सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप क्लच के साथ, जो इस गाड़ी को 26.14% की ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़े लांगने की क्षमता प्रदान करता है। सस्पेंशन की बात करें तो इस बस में आगे और पीछे वाले एक्सल्स पर पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक एवं टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिया गया है। दोस्तों, दिल्ली में हो रहे ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स ने हाल ही में इस गाड़ी को लॉन्च किया है, यानी कि इसके प्राइसिंग और माइलेज के बारे में हमारे पास कोई भी डिटेल्स नहीं है। जैसे ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, हम इसके प्राइस और माइलेज के साथ एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आप तक जरूर आएंगे। आइए जानते हैं इस बस के वजन और आयाम यानी कि वेट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। इस गाड़ी का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है 16200 किलो का, यानी कि लगभग 16.2 टन का। इस बस का व्हील बेस है 5800 mm। टायर साइज की बात करें तो इस गाड़ी में 295/80 के 16 प्लाई रेटिंग वाले R22.5 यानी कि 22.5 इंच के टायर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी में 24 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि 12-12 वोल्ट की दो बैटरियाँ दी गई है। इस गाड़ी में 400 लीटर का LNG फ्यूल टैंक दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये गाड़ी आपको 3x2 सीटिंग लेआउट में 55+D यानी कि 55 सीटर्स में अवेलेबल है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बस खासकर इंट्रा सिटी एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई है। कैसी लगी आपको टाटा मोटर्स की ऑल न्यू LPO 16-13 LNG बस, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये गाड़ी जैसे ही डीलरशिप्स पर अवेलेबल हो जाएगी, हम इसका एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आप तक जरूर आएंगे। कैसी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी गाड़ी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AAA Diecast & Vlogs ट्रक टॉक्स। बाय बाय। जय हिंद।